कुर्बानी साहिब जादों के त्याग समर्पण और वीरता को याद रखते हुए मोदी जी ने विश्व भर के बच्चों को, विश्व भर के बालकों को साहिब जादों की वीरता की, बलिदान की भावना से प्रेरणा मिले, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने अमृतसर में दरबार साहिब के लिए FCRA की परमिशन 70 सालों से नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने दरबार साहिब को FCRA की परमिशन देकर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहब की सेवा करने का मौका दिया। लंगर को जीएसटी से मुक्त किया। जलियांवाला बाग में सिख और हिंदू शहीदों के स्मारक को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए, उनकी सत्ता आ गई, सबको भय लगा कि यहां पर गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान नहीं रहेगा। सालों पुराने गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से सुरक्षा के साथ भारत में लाकर दिल्ली के गुरुद्वारा में उनको स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, विदेशी नागरिकों की, सिख समाज के भाइयों की 314 लोगों का ब्लैकलिस्ट था, उसको घटाकर अब सिर्फ 2 लोग ब्लैकलिस्ट में हैं। अमृतसर को हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी का दर्जा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, मैं आज चन्नी को पूछने आया हूं, चन्नी जी, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती, सिख दंगों में हजारों निर्दोष सिख भाइयों बहनों की कत्ल दिल्ली के अंदर कर दी गई, आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, फिर से SIT बनाई और ऐसो आराम करने वाले कांग्रेस को, नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हर परिवार जो दंगों का विक्टिम था उसको 5 लाख रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की, आतंकवाद के समय में चाहे हिंदू हो या सिख हो, आतंकवाद का विक्टिम किसी भी प्रकार का हो, इसका जो नुकसान हुआ है इसके लिए भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार, NDA की सरकार यहां जो बनेगी, वो एक आयोग बनाकर वो सभी को भी इनकी चिंता करने का काम करेंगे। मित्रों, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, यहां पर आते हैं, पंजाब की बात करते हैं, मैं केजरीवाल जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सिख भाई बहनों की आबादी बहुत बड़ी है और सम्माननीय लोग हैं, दिल्ली के समाज जीवन में सिखों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी से लेकर आज तक केजरीवाल जी 2-2 बार 3/4 बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक भी सिख को मंत्री बनाया है क्या आपने? भाइयों बहनों, बनाया है क्या? वो आए तो पूछना, 2-2 बार सरकार बनी, 8 साल से शासन में हो, दिल्ली में एक भी सिख या भाई या बहन को मंत्री बनाने की नहीं सूझी। और यहां पर पंजाब में आकर आप पंजाब की बात करते हो, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, एक भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी जिसमें सिख भाई या सिख बहन सिख के नाते सरकार की कैबिनेट में मंत्री न बने हो। कोरी बातें सम्मान की कर कुछ नहीं होता है। मित्रों, पंजाब का किसान देश को, जब अन्न की जरूरियात थी तब पंजाब के किसान ने देश का पेट भरने का काम करा है। मित्रों, हम नई टेक्निक से पंजाब के अंदर खेती के सारे मसले हल करने के लिए एक कमीशन बनाकर
एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मित्रों, पिछले 5 वर्षों में एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा गेहूं अगर खरीदा गया तो 2020-21 में खरीदा गया 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और 23,000 करोड़ रुपया कोई भी चोलिए के बगैर सीधा किसान। अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो किस तरीके का विजन होगा, किस तरीके से पंजाब की जनता के लिए कामकाज किए जाएंगे। 20 फरवरी को पूरी की पूरी 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में धुआंधार प्रचार हर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जारी है पूरी ताकत।